Hello everyone, and welcome back to your DSL English classes, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi. I'm your trainer. So, well, before starting the class, I would like to know how are you all, aap sab kaise hain? Umeed karta hoon aap bahut acche honge. Okay. So, is sound clear? Ab sound clear hai? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरी वन. गुड इवनिंग, आ जाइए फटाफट से क्लास में आ जाइए. गुड इवनिंग सर, आप डेली क्लास लिया करो अभिलाषा. ओके बेटा, डेली लेंगे क्लास. ओके, गुड इवनिंग, चाहिए फटाफट से क्लास में आ जाए. दोस्तों, आज की क्लास का जो टाइटल है ना, वो है स्पोकन इंग्लिश वोकैबुलरी. बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों को कि इंग्लिश बोलते समय वोकैबुलरी का ना होना. आप कई बार कई सारे वर्ड्स याद कर लेते हैं, उसके बाद आप भूल जाते हैं, उसके बाद आप इस्तेमाल नहीं कर पाते, और वोकैबुलरी ना होने की वजह से हमारा जो कॉन्फिडेंस है ना, वो कमजोर हो जाता है. हमारा कॉन्फिडेंस जो है कमजोर पड़ जाता है, और कॉन्फिडेंस कमजोर होने की वजह से हमारे अंदर हेजिटेशन आ जाती है. तो कहीं ना कहीं इंग्लिश के अंदर, स्पोकन इंग्लिश, फाउंडेशन इंग्लिश के अंदर जो वोकैब है ना, बहुत ही ज्यादा अपना रोल प्ले करती है. तो अब से मैं वोकैब्स के भी ऊपर एक बहुत अच्छी सीरीज आपके साथ यूट्यूब पर लेकर आया करूंगा. स्ट्रक्चर्स लेकर आऊंगा, फ्रेजल वर्ब लेकर आऊंगा. आप लोगों के लिए बहुत सारा कंटेंट बनाया है, वो सब आप लोगों के लिए मैं यहां पर लेकर आऊंगा. बस शर्त यह कि अपने घर पर रहना, सेफ रहना, बाहर नहीं निकलना, क्योंकि आप अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए एक पूरी दुनिया हो. राइट, तो घर पर बैठकर आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करें, अपने इस लॉकडाउन का फायदा उठाएं. राइट, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को. सबसे पहला वर्ड आज जो मैं वोकैब बताने वाला हूं ना, रोज रोज जो यूज होते हैं, ज्यादा नहीं बताऊंगा, थोड़े वर्ड दूंगा, लेकिन दूंगा ऐसे वर्ड जो हमें बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे, जो हम अपनी डेली लाइफ में रोज जिन्हें बोलते हैं, और कई बार वो वर्ड हमारे दिमाग में क्लिक नहीं करते. तो आप लोगों के लिए मैं वो वर्ड्स बताऊंगा, वो वर्ड्स मैं आप लोगों को दूंगा, आप वो वर्ड्स मेरे साथ रिपीट कीजिएगा. हाँ बच्चे, मैं आपसे कह रहा हूं, इधर तो दिमाग में, इधर क्लास में आ जाइए. आपको जो मैं वर्ड्स दूंगा, वो 3 times आप मेरे साथ रिपीट करेंगे. तो आज का जो सबसे पहला वर्ड है, वो है स्क्वैट डाउन. स्क्वैट डाउन आप मेरे साथ बोलेंगे, 3 times बोलेंगे, स्क्वैट डाउन, स्क्वैट डाउन, स्क्वैट डाउन. अब एक गेम खेलूंगा मैं आप लोगों के साथ. गेम ये होगा कि मैंने ये आपको वर्ड दूंगा, आपको 30 seconds दूंगा, 20 seconds आप 20 seconds में आपको दूंगा, उसमें आपको ये वर्ड में सेंटेंसेस बनाने हैं. एक दो नहीं, कम से कम 2-4 से 10 सेंटेंसेस बनाने हैं. एक एग्जाम्पल मैं दूंगा, बाकी आप कोशिश करेंगे सब्जेक्ट चेंज करके आप अपने एग्जाम्पल्स देंगे, ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल देंगे. बच्चे कुछ कहते हैं सर वोकैब्स याद नहीं करना, वोकैब्स याद नहीं होते हैं, तो करना क्या है, जो सब्जेक्ट आप देख रहे हैं यहां पर, ये जो सब्जेक्ट आप देख रहे हैं, इसको क्या करना है, बस इसको आपको बदल देना है. यहां पे एग्जांपल देखिए, ही इज स्क्वैटिंग डाउन, वो पालती पालती मारकर बैठा हुआ है. पालती मारकर बैठते ना घर पे खाना खाने के लिए बड़ा अच्छा लगता है, मैं तो पालती मारकर ही खाना खाता हूं. सो मैं कह रहा हूं कि वो पालती मारकर बैठा हुआ है, ही इज स्क्वैटिंग डाउन, वो पालती मारकर बैठी हुई है. शी इज, पालती का मतलब होता है ना घर में ट्रेडिशन में बैठते हैं इस तरह से, तो स्क्वैट बोलते हैं उसे, आलती पालती मार के. ठीक है, तो जब कई बार बच्चों के दिमाग में आता ही नहीं है कि उसको पालती मारकर बैठा हुआ, ये वर्ड ही नहीं आता, तो याद कर लो, यहां पर याद कर लो, ये वर्ड मैं आपको दे रहा हूं. सेंटेंस बना दीजिए, सेंटेंस बना दीजिए, बोल दीजिए साथ में. तो यहां पर ही स्क्वैटिंग डाउन, वो पालती मारकर बैठा हुआ है. तो आपके सेंटेंस देखता हूं. अरुण बोल रहे सर आपकी जैसी इंग्लिश बोलनी है. अरुण बेटा, आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलेंगे, आप अपनी एक आइडेंटिटी बनाएंगे. जो वर्ड्स मैं लेकर आ रहा हूं ना, इन वर्ड्स को याद कर लो, इन वर्ड्स के ऊपर सेंटेंसेस बना दो, आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलेंगे. सेंटेंसेस बनाएं, सब्जेक्ट चेंज करें, यहां माई फादर लगाएं, माई मदर लगाएं, माई सिस्टर लगाएं, अपने दोस्तों के नाम लगाएं, अपने दोस्तों के नाम लगाएं, जो आपका सबसे प्यारा दोस्त है ना, उसका नाम लगा दीजिए यहां पर. वो दोस्त आपके दिमाग में रहेगा, ये वर्ड भी आपके दिमाग में रहेगा. दोस्त दिमाग में रहेगा, वर्ड याद में दिमाग में रहेगा. तो दोस्त के साथ वर्ड को कनेक्ट कर दो, दोस्त के साथ वर्ड को कनेक्ट कर दो, याद कर लो.
इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। एक टिप मैंने आपको बता दी तो यहां पर याद कर सकते हैं। वोकैब्स याद होने से कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आने से आपके अंदर से अपने आप इंग्लिश निकलेगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सेंटेंसेस। आई अप्रिशिएट एवरीबडी हियर, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। बस सब्जेक्ट चेंज कर दीजिए और बना दीजिए। अब मैं आपसे पूछता हूं कितने सेंटेंस आपने स्क्वाइट डाउन पे बनाए, मुझे आप नंबरिंग में बता दीजिए। किसी ने यहां पर 5 बनाए होंगे, किसी ने 10 बनाए होंगे, किसी ने 15 बनाए होंगे। सो आई वॉन्ट टू नो द नंबर्स बताइए किसने कितने सेंटेंसेस बनाए हैं यहां पर, कितने सेंटेंसेस आपने यहां डिजाइन किए। मैं बुलवाकर छोड़ूंगा, एक एक वर्ड आपके दिमाग में डालकर छोड़ूंगा। मैं पढ़ाने नहीं आया, मैं यहां पर आपको हिलाने आया हूं वोकैब्स के साथ। याद नहीं करनी है आपको, इस्तेमाल करना है आपको, इस्तेमाल करना है। एक स्टूडेंट मेरे पास आया, वो किसी रेस में कंपटीशन करना चाहता था। देखिए मैं आपको चीज बताता हूं, एक स्टूडेंट आया मेरे पास, उसने कहा सर मुझे रेस में कंपटीशन करना था। तो उसने मेरे से कहा कि सर मैंने पूमा के शूज लिए, मैंने रिबॉक के शूज लिए, मैंने उसके शूज लिए, मैंने कई सारे शूज लिए स्पोर्ट्स के लिए, रनिंग के लिए, और उसके बाद भी मैं रेस नहीं जीत पाया, जबकि मैंने बहुत सारे रेसर के बारे में पढ़ा। तो मैंने उससे पूछा क्या किया, सर मैंने शूज तो सारे ले लिए थे लेकिन जीत नहीं पाया। का मतलब यह है कि आपको इंग्लिश आती है, आपको इंग्लिश की नॉलेज है, लेकिन आप उस नॉलेज के साथ खेल नहीं पा रहे। तो क्या करना है, ये जो नॉलेज हमें, मैं यहां से आपको वोकैब्स की दूंगा, तो उसके साथ आपको खेलना भी है, उसके साथ आपको प्रैक्टिस भी करना है। बस प्रैक्टिस करना है, ये नहीं कि आपने नोट कर लिया कहीं पर, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया बस याद हो गया, नहीं। ये तो आपको नॉलेज मिल गई लेकिन इसके साथ खेलना भी है, इसको यूज करना भी है, राइट? तभी ये वर्ड्स आपके दिमाग में आएंगे। बहुत बढ़िया, अब बच्चे बना रहे हैं, अच्छा लग रहा है। चलते हैं सेकेंड वर्ड हमारा क्या है। आप लोगों का एक वर्ड पे टारगेट मैं दूंगा, एटलीस्ट आपको 10 सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है? एक एग्जांपल मैं दूंगा, 10 के आसपास आपको बनाने हैं। सेकंड वर्ड है आपका ड्वैडल। ड्वैडल का मतलब क्या है? ड्वैडल एक नया वर्ड है, सुन लीजिए, नया वर्ड। हमें क्या करना है, हमें अपने आप को चेंज करना है, हमें कुछ नए वर्ड भी सीखने हैं। ड्वैडल, ड्वैडल आजकल बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, आप भी यूज कीजिए। अगर आपको नहीं पता था अब देख लीजिए। ड्वैडल का मतलब होता है बेकार में घूमना, अपने समय को नष्ट करना, बेकार में घूमना, समय को नष्ट करना, अपने समय को गवाना। ड्वैडल, बेकार में मटरगस्ती करना, मटरगस्ती मतलब अपने जाकर टाइम पास करना, बेकार में घूमना, उसे हम बोलते हैं ड्वैडल। और भी बहुत सारे वर्ड हैं इसके लिए, बहुत सारे, फ्रिटर अवे, लॉटर, हैंग अराउंड, कई सारे वर्ड्स हैं, ड्वैडल उसमें से एक है। बेकार में घूमना मतलब क्या, सेंटेंस का एग्जांपल है, ही वाज ड्वैडलिंग इन द ग्राउंड, वो ग्राउंड में ड्वैडल कर रहा था, बेकार में घूम रहा था, समय गवा रहा था, राइट? तो अगर आपको कहना है कि मैं बेकार में नहीं घूमता, मैं अपना बेकार में समय नहीं गवाता, तो क्या सेंटेंस बनाएंगे? मेरे पापा बेकार में नहीं घूमते, मेरे भाई जो है, मेरा भाई बेकार में नहीं घूमता, मेरी सिस्टर बेकार में नहीं घूमती। व्हेन यू ट्राई टू मेक द सेंटेंसेस, आप इस ड्वैडल को ना किसी अपने फ्रेंड से जोड़ दीजिए, इस ड्वैडल को उस व्यक्ति से जोड़ दीजिए जो बेकार में घूमता हो। जैसे मेरा एक दोस्त है योगेश, वो हमेशा बेकार में घूमता है, मैं उसे समझाता हूं, तो योगेश से मैंने जोड़ दिया ड्वैडल, तो योगेश ड्वैडल हो जाएगा क्योंकि प्रेजेंट इनडेफिनिट है। योगेश ड्वैडल्स ऑन द रोड, योगेश ड्वैडल्स इन द स्ट्रीट, योगेश ड्वैडल्स इन द पार्क। आपका कोई दोस्त जो ड्वैडल करता है, बेकार में घूमता है, उसके साथ बना दीजिए सेंटेंस, 2-4-10 सेंटेंसेस बना दीजिए, ये वर्ड हमेशा के लिए याद हो जाएगा। बनाइए, बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं, कोई ना कोई किसी के लिए बना रहा है। बनाइए, यूज कीजिए, अब नहीं बिना बुलवाए छोड़ूंगा। प्रैक्टिस करनी है, नॉलेज को स्किल में बदलना है। हमारा जो काम है ना, वो नॉलेज को स्किल में बदलने का काम है। मतलब आपको इंग्लिश आती है, आपको स्ट्रक्चर्स आते हैं, बहुत सारी चीजें आते हैं, लेकिन आप ऐसा व्यक्ति ढूंढ रहे हैं, एक ऐसा ट्रेनर ढूंढ रहे हैं जो आपके अंदर जो नॉलेज है ना, उस नॉलेज को आपके मुंह से निकलवा दे। तो आप राइट प्लेटफॉर्म पर, आप DSL पर राइट प्लेटफॉर्म पर हैं। आपके जुबान से, एक बार फिर से, आपकी जुबान से इंग्लिश हम ऐसे निकालेंगे ना, इतना निकालेंगे, इतना निकालेंगे, आप कहोगे यार
क्या बात है, कभी मैंने सोचा नहीं था इतना अच्छा बोल सकता हूँ, मैं बोल सकती हूँ। बहुत अच्छा बोल पाएंगे आप, बहुत अच्छा बोल पाएंगे, डोंट वरी। देखते हैं थर्ड वर्ड क्या है हमारा, क्राउच। क्राउच का मतलब क्या है, दुबकना। ये बहुत ज्यादा ऐसे वर्ड जो हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं होता। दुबकना, वो गेट के पीछे दुबक गया, वो गेट के पीछे दुबक गई, वो दीवार के पीछे दुबक गया आपको देखकर, आपकी मम्मी को देखकर वो दीवार के पीछे दुबक गया, आपके पापा को देखकर वो दीवार के पीछे दुबक गई। बहुत ज्यादा बोलते ना दुबकना, है ना, दुबकना इस तरह से। तो दुबकने को क्राउच बोलेंगे। कैसे बनाएंगे सेंटेंस इसका देख लीजिए, मेरे पीछे आप बोलिए भी थ्री टाइम्स, क्राउच क्राउच एंड क्राउच। बोलिए, प्रैक्टिस कीजिए, जुबान से निकालिए। जब आप वर्ड जुबान से निकाल देंगे ना वो याद हो जाएगा, अगर नहीं निकालेंगे तो याद नहीं होगा। लिखने से नहीं, बोलने से। बोलिए मेरे साथ, रिपीट कीजिए। So he crouched behind the wall. वो दीवार के पीछे दुबक गया। She crouched behind the wall. She crouched behind the table, behind the chair, है ना? तो इस तरह से अपने फ्रेंड का नाम लगा दीजिए, उसके साथ crouch लगा दीजिए और बनाइए सेंटेंसेस यहां पर। बहुत बढ़िया। देखिए आकाश कुमार ने एक सवाल पूछा, सर आप इंग्लिश कब तक सिखा देंगे? बेटा मैं तो सिखाने के लिए यहां पर आया हूं ना, मैं तो खिलाऊंगा इंग्लिश के साथ आपको, इतना खिलाऊंगा इंग्लिश भी आके आपसे कहेगी बस करना, और कितना खेलेगा पगले। बहुत परेशान किया ना इंग्लिश ने, अब परेशान नहीं करेगी। आप लिख के ले लीजिए गारंटी, यहां पर हजारों लाखों लोग इंग्लिश बोलने का अपना सपना पूरा कर चुके, तो अरुण आप भी कर सकते हैं। और क्या आपको पता है, आप लोगों के लिए मैं नया बैच लेकर आ रहा हूं 12 मई सुबह 11:30 बजे, राइट? ओके, यहां पर नेक्स्ट एग्जाम्पल, फोर्थ, नीड ऑफ आर्ट्स। बोलिए मेरे साथ थ्री टाइम्स, नीड ऑफ आर्ट्स, नीड ऑफ आर्ट्स, नीड ऑफ आर्ट्स। समय की मांग, इंग्लिश इज अ नीड ऑफ आर्ट्स, इंग्लिश समय की मांग है। वैक्सीन, कोरोना टाइम चल रहा है, वैक्सीन इज नीड ऑफ आर्ट्स। आइसोलेशन, अलग कर लो लोगों से अपने आप को, इज अ नीड ऑफ आर्ट्स। हमें पता नहीं था, है ना? तो अब आपको ये वर्ड नया पता चल गया, नीड ऑफ आर्ट्स। यूज करिए, बनाइए सेंटेंसेस। वैक्सीन इज नीड ऑफ आर्ट्स, आइसोलेशन इज अ नीड ऑफ आर्ट्स, क्वारंटीन इज अ नीड ऑफ आर्ट्स, इंग्लिश इज अ नीड ऑफ आर्ट्स, एंड लॉकडाउन इज अ नीड ऑफ आर्ट्स। बनाइए, बोलिए, समझिए और यूज कीजिए। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ओके, बहुत सुंदर सेंटेंसेस आप बना रहे हैं। आई कैन चेक हियर, और चेक करूंगा, पहले सीख लीजिए। नेक्स्ट वर्ड है आपका अप टू द ग्रेट एक्सटेंट। बोलिए मेरे साथ अप टू द ग्रेट एक्सटेंट। बिना बुलवाए नहीं छोड़ूंगा, बिना बुलवाए आगे नहीं बढ़ूंगा। बोलिए मेरे साथ अप टू द ग्रेट एक्सटेंट, अप टू द ग्रेट एक्सटेंट, अप टू द ग्रेट एक्सटेंट। किसका मतलब होता है, काफी हद तक, काफी हद तक आप लोग अच्छे सेंटेंस बना रहे हैं, काफी हद तक आप लोगों ने इंग्लिश को इंप्रूव कर लिया है। यू हैव इंप्रूव्ड इंग्लिश, you have improved English up to the great extent. मेरे पापा ने काफी हद तक अपना बिजनेस इंप्रूव कर लिया है, आपके भाई ने काफी हद तक अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर लिया है, मेरे दोस्त ने काफी हद तक अपनी पर्सनालिटी को इंप्रूव कर लिया है। बनाइए, सो माय फ्रेंड हैज, ध्यान रखना सिंगुलर तो यहां पर हैव की जगह हैज आ जाएगा, राइट? ये गड़बड़ी मत करना। सो माय फ्रेंड हैज इंप्रूव्ड हिज पर्सनालिटी अप टू द ग्रेट एक्सटेंट। आपने अपनी लाइफ में काफी हद तक क्या क्या इंप्रूव किया है, कमेंट करें, भेज दीजिए 5, 10, 20, 50 सेंटेंसेस, जितने आप बोल सकते हैं बोलिए और उंगलियों से टाइप कर दीजिए। यस, कम ऑन। तो चेक करता हूं आप बना रहे नहीं बना रहे। ओके, बहुत सुंदर, अनिल, दुर्गेश, सबाखंड, राकेश, ओके, भगवान दास, बहुत सारे बच्चे, अभिषेक साख्या, आई हैव लर्न्ड इंग्लिश अप टू द ग्रेट एक्सटेंट एंड द गाइडलाइंस ऑफ संदीप सर, दैट्स व्हाई आई ऑलवेज अप्रिशिएट हिम, थैंक यू वेरी मच अभिषेक। ऐसे अभिषेक साख्या जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यहाँ पर अपनी इंग्लिश को काफी हद तक इम्प्रूव किया है। बाकी प्रैक्टिस जितनी आप करेंगे उतना आप इम्प्रूव कर पाएंगे। होन,
आज तक आप सुधारने के लिए एक वर्ड लगाते थे इंप्रूव, आज आपको एक नया वर्ड मिल रहा है होन, सुधारना। होन का मतलब है निखारना, सुधारना। बहुत ही प्यारा वर्ड है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप भी इसे अपना एक अच्छा वर्ड की लिस्ट में रख दीजिए। जैसे मैं कहता हूं आप लोग अपनी स्किल्स को मेरे साथ सुधार रहे हैं, आप अपनी स्किल्स को मेरे साथ निखार रहे हैं, आप DSL में अपनी इंग्लिश को सुधार रहे हैं, निखार रहे हैं। सो यू आर होनिंग your skills with me, with DSL, with Dharminder sir, with Sandeep sir, right? आप अपनी skills को सुधार रहे हैं, आप अपने आप को निखार रहे हैं। You are honing your skills, right? आप अपनी personality को सुधार रहे हैं। You are honing your personality. वो अपने behavior को आजकल सुधार रहा है। He is honing his behavior. वो अपनी communications को सुधार रही है। She is honing her communication skills. Likewise, तो क्या क्या आपको लगता है आपकी लाइफ में कितने लोग जो जुड़े हैं वो क्या क्या सुधार रहे हैं, वो कमेंट्स कर सकते हैं और बोल सकते हैं। बहुत बढ़िया वर्षा बेटा, ड्रेजलिंग बॉय कबीराज, नाइस मीटिंग यू बेटा, बहुत दिनों बाद दिखाई दे आप। दुर्गेश ओके, बहुत बढ़िया बेटा, आपके साथ मैं यहाँ पर आता रहूंगा, आपके लिए बहुत कुछ स्टफ लाता रहूंगा। आप उन्हें इस्तेमाल कर दिए, आप उन्हें यूज कीजिए आप लोगों के लिए। देखते नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, येप। येप का मतलब है बकवास करना। कई बार आप कहते हैं बकवास कर रहा है वो, बकवास कर रही है वो, आप बकवास क्यों कर रहे हो। सो व्हेन यू टॉक लाइक दिस, बकवास करना बहुत ज्यादा यूज होता है। तो इसे बोलते हैं व्हाई आर यू येपिंग हियर, आप यहां बकवास क्यों कर रहे हो। वो वहां बकवास कर रही है, शी इज येपिंग देयर। वो लड़का वहां बकवास कर रहा है, ही इज येपिंग देयर, है ना। नया वर्ड मिला है आपको येप। येप का मतलब है बकवास करना। ये आपका मतलब है, देखता हूं कि आप लोग कमेंट्स कर रहे नहीं कर रहे। लेट मी चेक योर कमेंट्स ओवर हियर। बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं, बहुत सुंदर। ओके ओके, तो यहां पर ये देख लीजिएगा, ये जो वर्ड है ये येप है, YAP, येप, राइट, येप, येप, बकवास करना, नया वर्ड है। आपकी लाइफ में, आपके आसपास में कोई लोग बकवास करते हैं ना, बड़बड़ाना कहते हैं, तो येप आप नया वर्ड यूज कर सकते हैं उनके लिए, राइट। ओके, सो लेट्स सी कि नया नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर मैं वहां जाऊंगा। बहुत ज्यादा बोलते हैं मैं किसी भी कीमत पर इंग्लिश बोलकर रहूंगा, मैं किसी भी कीमत पर आपको सिखाकर रहूंगा, मैं किसी भी कीमत पर वहां जाकर रहूंगा। तो किसी भी कीमत पर के लिए क्या बोलेंगे, एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट। बोलिए 3 times, कहां है बच्चे दिमाग, यहां पर आ जाइए, एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर, एट एनी कॉस्ट, मैं किसी भी कीमत पर वहां जाऊंगा, एट एनी कॉस्ट आई विल गो देयर, मैं किसी भी कीमत पर अपने लिए ब्रांडेड शर्ट्स खरीदूंगा, एट एनी कॉस्ट आई विल बाय ब्रांडेड शर्ट्स फॉर मी, मैं किसी भी कीमत पर अपनी पर्सनालिटी को इंप्रूव करूंगा या करूंगी। आप बोल सकते हैं एट एनी कॉस्ट आई विल इंप्रूव माय पर्सनालिटी, राइट। तो बनाइए सेंटेंसेस और इंप्रूव कर दीजिए अपनी वोकैब्स को। और हां, आपको पता है ना नया बैच आ रहा है, और वो बैच होगा किसके लिए, ये भी बहुत बड़ी बात है। बच्चे पूछते हैं सर ये बैच कौन कौन ज्वाइन कर सकता है, तो देखते हैं यहां पर कौन कौन ज्वाइन कर सकता है। ये बैच हर कोई ज्वाइन कर सकता है, मतलब इंग्लिश फॉर ऑल। इंग्लिश एक भाषा है, जैसे हिंदी है ना, एक छोटा बच्चा जो 5 साल का वो भी बोल रहा है, एक 55 साल का, 50 साल का, 100 साल का भी हिंदी बोल रहा है, जो भी लैंग्वेज बोल रहा है। तो इंग्लिश एक भाषा है, लैंग्वेज है, सबके लिए है, चाहे वो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हो, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हो, चाहे वो 6th में हो, 7th में हो, 8th में हो, 11th में हो, 12th में, सबके लिए। वो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हो, बीए है, बीटेक है, बीकॉम है, बीएससी है, एमबीए है, बीएससी है, व्हाटएवर इट इज स्ट्रीम, ये उनके लिए भी है। प्रोफेशनल, देयर आर लॉट ऑफ प्रोफेशनल्स, सिंगर, डांसर, क्रिकेटर, राइट, म्यूजिशियन, डायरेक्टर, बहुत सारे लोग जो अपने प्रोफेशन में कई बार लोगों से
मिलने से घबराते हैं, वो इंग्लिश में बोलने से घबराते हैं। ये इंग्लिश का जो मॉड्यूल मैं लेकर आया हूं आपके लिए, ये इन लोगों के लिए भी है। आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आप जो भी हैं, आप कोई भी हो, ये कोर्स, ये मॉड्यूल, ये लैंग्वेज आपके लिए, आपका हक है कि आप इस हक के साथ इंग्लिश को बोलें। मैं संदीप आपके सपनों को सपोर्ट करता हूं, करता था और करता रहूंगा। देखिए यहां पर अगर आप बिजनेस भी कर रहे हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन जिन्हें बिजनेस करना होता है, आउट ऑफ इंडिया भी करना होता है, मेल्स भेजनी होती है, मेल्स रिसीव करनी होती है, उन्हें पता ही नहीं है क्या है। तो भाई जो बिजनेस सेगमेंट के लोग हैं, ये मॉड्यूल उनके लिए भी है। हाउसवाइव्स परेशान ना हो, आपके लिए भी है। आप कहोगे हाउसवाइफ के बारे में तो बोल नहीं, भाई आपके लिए भी है, परेशान ना हो, राइट? सबके लिए है। आप लीडर हैं, मिनिस्टर हैं, एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस, सबके लिए मॉड्यूल है। सारी चीज मैं फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस कवर करूंगा। क्या क्या कवर करूंगा? स्पोकन इंग्लिश ऑनलाइन बैच, हमेशा की तरह ऑनलाइन इंग्लिश बैच हमेशा की तरह फ्रॉम बेसिक टू एडवांस हमारा रहेगा 12 मई 2021 11:30 AM इन द मॉर्निंग। क्या क्या कवर करूंगा? बेसिक टू एडवांस, बहुत सारी स्पोकन बेस्ड ग्रामर, लिसनिंग स्किल्स, सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बनाए। बच्चे कहते सर कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, लिख के लीजिए, आप एनरोल करें अपने आप को, देखें कि कॉन्फिडेंस आता है नहीं आता। पब्लिक स्पीकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉडी लैंग्वेज, इवन आर बॉडी स्पीक्स, बॉडी लैंग्वेज का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे स्पोकन के अंदर, देन वी विल डिस्कस ऑन इट लेटर। कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी बातचीत करने का ढंग, कला, राइट? आप क्या बोलते हो से ज्यादा मैटर करता है, सुन लीजिए एक बार फिर से, आप क्या बोलते से ज्यादा मैटर करता है आप कैसे बोलते हो। अगर आपको कैसे समझ में आ गया ना, देन यू कैन विन एनीबॉडीज इन द वर्ल्ड। आप किसी को भी जीत सकते हैं, किसी को भी अपना बना सकते हैं, तो वो कला यहां सीखेंगे इस क्लास के अंदर, राइट? तो ध्यान से देखिएगा, लिमिटेड सीट्स हैं। मैं आपको फिर से बता दूं, आप बाद में मत कहना सर हमने एडमिशन नहीं ले पाया, अब लेंगे। तो 12 मई लिमिटेड सीट्स 11:30 बजे, लिख लीजिए कहीं पर। अब बच्चे कहते सर इसे कैसे करेंगे, तो देखिए यहां पर कैसे करेंगे। आप प्ले स्टोर पर जाइए, प्ले स्टोर पर हमारा हजारों लाखों लोगों ने एप्लीकेशन डाउनलोड किया हुआ है, क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप, वहां पे देखिएगा आइकन बना हुआ है हमारे सर का, धर्मेंद्र सर की पिक लगी हुई है, बहुत ही स्मार्ट है हमारे सर, तो पिक लगी हुई है हैंडसम से सर की, पिक देखिएगा, क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप, नीचे लिखा होगा धर्मेंद्र कुमार सर। आप वहां जाके उसे आप इंस्टॉल कर दीजिए, फिर क्या है, फिर वो आपकी एप्लीकेशन आपके मोबाइल में आ गई, आप उसमें एंटर कीजिएगा अपने मोबाइल, अपने नंबर के साथ ओटीपी आएगा, डालिएगा। आप वहां पर दो ऑप्शंस आएंगे, स्पोकन इंग्लिश, फाउंडेशन इंग्लिश, मैं तो कहूंगा दोनों इंग्लिश में आ जाइए आप। फाउंडेशन इंग्लिश में आपकी बेस जो है ना मजबूत होगी, और स्पोकन के लिए हैं तो हम क्यों घबरा रहे हो। तो दोस्तों आइए और अपनी लाइफ में जो आपके सपने जो इंग्लिश की वजह से पूरे नहीं हो पाए उन्हें पूरा करने की कोशिश कीजिए। और एक हाँ, एक बात और, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और चाहते हैं इतनी प्यारी प्यारी वीडियो फिर से लेना, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, और जो वीडियो को डिसलाइक कर रहे हैं ना, तो मैं तो उनसे भी कहूंगा कि आप भी भैया वैक्सीन लगवा लीजिए, क्योंकि आप लोगों का भी वेट रहेगा मेरा, है ना, आप लोगों का वेट रहेगा, डिसलाइक करेगा कौन, तो भैया वैक्सीन लगवा लीजिए, कहीं मतलब आप रहेंगे तो डिसलाइक कर भी पाएंगे ना, कुछ बच्चे हैं इसमें जो डिसलाइक कर देते हैं। तो मैं तो कहूंगा कि मैं सबको प्यार करता हूं, जो लाइक कर रहा है मेरी वीडियो को उनको भी मैं प्यार करता हूं, जो डिसलाइक करता है उनको भी प्यार कर रहा हूं, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा कि जो डिसलाइक करने वाले भी मुझे लाइक करने लगेंगे, प्यार करने लगेंगे, मुझे भी अपना मानने लगेंगे, राइट? मैं भी आप सबको अपना मानता हूं, मैं यहां कोई भेदभाव नहीं करता कि लाइक वालों के लिए वीडियो बनाऊंगा, डिसलाइक वालों के लिए नहीं, सब मेरे अपने हो यार, आप फैमिली हो डीएसएल की। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग और फॉर टेकिंग दिस ब्यूटीफुल सेशन। आता रहूंगा बहुत सारी कमाल की वीडियो लेकर आपके लिए। एक बात और, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के कुछ रिलेटिव्स जो रिलेटिव्स हैं आपके उनके साथ, आपके स्कूल, कॉलेज, सोसाइटी, नेबर, जितने भी लोग हैं उनके साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर आप शेयर करके उन लोगों की मदद करें जिनको वो इंग्लिश के वर्ड्स चाहिए, जिनको अभी तक डीएसएल के बारे में नहीं पता कि डीएसएल इतनी अच्छी चीजें आपको दे रहा है, उनको भी बता दीजिए, उनको बता दीजिए कि इस पूरे भारत के साथ साथ इस पूरी दुनिया में लोगों के मुंह पर इंग्लिश के शब्द आ सके।
एक क्रांति लानी है हमें इंग्लिश की, और ये क्रांति हम अकेले नहीं, हम सब मिलकर ला सकते हैं, मतलब हम और आप, राइट? सो थैंक यू सो मच एवरीवन, शेयर करते रहिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा लोगों का भी और अपने DSL परिवार का भी. थैंक यू सो मच. I'll be back with amazing lessons as soon. Till the time, keep learning, keep smiling. Smile करना बहुत important है, क्योंकि smile एक ऐसी चीज़ है, कोई भी smile करिए, आप smile करते हैं ना, दूसरा भी smile करता है. Keep practicing and keep washing your hands and keep using your mask. That's very important nowadays, right? ठीक है. So bye bye, take care, have a nice day. Bye bye, take care.